हम सनातनी है, हम हिंदू है, हम देव समाज को मानने वाले हैं और हम अपनी निष्ठा, अपनी सोच जो विकास कार्यों के प्रति है जितनी मजबूत है, उतनी ही मजबूत हमारी देव नीति के प्रति भी है। और वैसे भी जिस तरीके की बातें आजकल सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही, हम तो उसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, मगर आज प्रदेश के अंदर, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इन चीजों का हमें विरोध भी करना है और भविष्य में ऐसी चीजें ना निकल कर आए इसके ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा जी, ये जो कुर्सी है, बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है या मंत्री की कुर्सी है या विधायक की कुर्सी है, इस पे कोई चिपकता नहीं है, इस पे जनता चुनकर आपको वहां पर भेजती है। और जनता ने राजा वीरभद्र सिंह जी को बार बार चुना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो चुनकर लोगों ने उस कुर्सी के ऊपर राजा वीरभद्र सिंह जी को बिठाया। हम कोई चिपकने वालों में से नहीं है, जनता ने प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, जिसकी वजह से हम उस कुर्सी के ऊपर विराजमान है। अगर आप कहती हैं कि ये कुर्सी से चिपके हुए है, तो आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे? वो भी तो 2000 से लेकर लगातार 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, करीबन 10 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, 75 साल का उन्होंने नारा दिया कि 75 साल के बाद अपने नेताओं को रिटायर कर देंगे, 74 साल की उम्र माननीय प्रधानमंत्री जी की हो चुकी है। क्या आप मोदी जी को भी कहेंगे कि मोदी जी, आप भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब आप मेरे लिए कुर्सी को छोड़े? क्या इतनी हिम्मत है आपकी कहने की? इस तरीके की बातें कहना, राजनीतिक मंच पर कहना, मैं समझता हूं कि वो शोभा नहीं देता। केवल मोदी जी का गुणगान करके, केवल मोदी जी का जाप करके आपकी नैया पार नहीं होने वाली। और वैसे भी वो लोग जो दो नाव के ऊपर सवार होते हैं, एक टांग बंबई में है, एक टांग हिमाचल में है, वो नाव बहुत जल्दी समुद्र में डूबने वाली है। इसलिए आप अपना बोरी बिस्तर पैक कर लीजिए और 4 तारीख को वापस मुंबई जाने की तैयारी करें। आपकी कई फिल्में अभी जगत में, बॉलीवुड जगत में बची हुई है, कई फिल्में आपने वहां पर करनी है, आप जाकर अपनी फिल्में करिए और यहाँ का काम आप जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के बेटे के ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ के भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। हमने यहाँ पे जितना विकास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है, ठाकुर कौल सिंह जी ने किया है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प हम सब मिलकर यहाँ पे लेंगे और मिलकर आगे चलेंगे। मंडी जिला के लिए, खास करके हमारे बागवानों और हमारे किसानों के लिए, क्योंकि टकोली हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा एक हब है, जहाँ पे सारे बागवान किसान आड़ती आते हैं। इस इलाके में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है केंद्र सरकार में, वहां से हम एक यूनिट जो है फूड प्रोसेसिंग का और फ्रूट प्रोसेसिंग का इस इलाके के लिए सैंक्शन करवाएंगे, ताकि हमारे बागवान, हमारे किसान, उनको यहाँ पे अच्छे दाम अपनी उपज का भी मिले और उसका सही इस्तेमाल आने वाले समय में हो। जो प्रॉफिट मार्जिन बीच में हमारे जो बिचौलिए खा जाते हैं, उसका फायदा ना हमारे किसानों को मिलता है और ना हमारे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको मिलता है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।